तो है एवरन यहाँ पे आ चुके हैं मैं गुड़ में एक बार फिर से, हिमांशु, संस्कार और अभिषेक आया पहली बार, वो रहा पीछे बैठा। एंड देन हम लोग जा रहे हैं अभी हिमांशु के यहाँ और वहीं से बढ़ौरा नाथ थोड़ा सा दर्शन करेंगे, देन आएंगे हमारे यहाँ और मैं भी आऊँगा वापस से अभिषेक को वापस से गुड़, देन आगे चल रहे मजे करेंगे। सो एवरीवन, ये कुछ पहाड़ी व्यूज़ हैं जो दिखने में काफ़ी सुकून, काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी अच्छा लगता है को देखने में, काफ़ी पसंद आता है। ये सोलर प्लांट के भाग है, सोलर प्लांट जहाँ पे उस जगह का व्यू, और ये हमारे टनल का व्यू था। सो एवरीवन, आप लोग देख रहे हो कि यार कितना बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ पे इन पहाड़ी जगहों पे। देन हम लोग बहुत करीब हैं हमारे सोलर प्लांट की तरफ जहाँ पे हम निकलने वाले हैं। देन हमारे साथ आ रहे हैं पीछे संस्कार और अभिषेक जो हमारी बाइक पे थे। देन मैंने इसे वॉइस ओवर बाद में क्यों हूँ क्योंकि एयर की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट हो रही थी, सो मैंने बाद में वॉइस ओवर किया। देन आई थिंक वी आर वेरी नियर टू द सोलर प्लांट। देन सो एवरीवन, हम सोलर प्लांट पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी दूर में, और देन हम आगे जा रहे थे हिमांशु के यहाँ जहाँ भी हम पहुँचेंगे बहुत जल्द। देन ये हमारा सोलर प्लांट पहुँच गए हैं। देन इसके आगे जस्ट टनल, टनल से 5 किलोमीटर आगे हिमांशु का घर है जहाँ से हम लोग छोड़ के गए हिमांशु घर गए। देन उसके बाद हमने गया बढ़ौरा नाथ दर्शन करने। कहते हैं बढ़ौरा नाथ जो मंदिर है वो लिंग जो है वो धरती से प्रकट हुई थी। सो दिखने में गाइस यहाँ पे व्यू तो बहुत ही बढ़िया लगता है, आई थिंक आप सभी को पसंद आता है ये व्यू देखने में, और ख़ासकर आई थिंक जब स्प्रिंग का सीज़न आए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। सो प्लीज़ गाइस इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी ब्लॉग्स मैं लाता रहूँ। कुछ बात करते हुए जा रहे थे मेरे और मेरे दोस्त। देन ये देखो गाइस इतना बड़ा है सोलर प्लांट का जो जगह है सोलर प्लांट की, कि ख़त्म ही नहीं हो रही कब से मैं बात आ भी रहा हूँ, एंड वो भी एंड देन आई थिंक ब्लर हो रहा है कुछ रीज़न की वजह से, डोंट नो व्हाट द रीज़न। एंड अब हम टनल के करीब हैं, एंड देन हम टनल में मतलब बाइक को न्यूट्रल करके छोड़ देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स की स्पीड पकड़ लेती है न्यूट्रल में भी हमारी नॉर्मल बाइक, अगर सिंगल पर्सन बैठा है, कोई डबल बैठे तो 50 की स्पीड्स में पकड़ी हुई रहती है एज अ न्यूट्रल एनी बाइक्स। लेट्स सी। सो यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया पहले उनका आने का, देन यहाँ से न्यूट्रल करके निकल गया जो कि बहुत स्लो लगता है। सो ये इंटर करेंगे अब हम यहाँ से, देन ओ माय गॉड, सो एवरीवन रूट भी काफ़ी लंबा है। हमारे पीछे संस्कार और अभिषेक हैं बाइक पे। देन अब हम लोग क्रॉसिंग के लिए हैं, टनल क्रॉसिंग के लिए, जो कि अभी लंबी टनल है जिसका एंड अभी इतनी जल्दी तो आएगा नहीं क्योंकि 2.28 किलोमीटर लंबा है। देन सो आई थिंक नाउ वी आर इन द एंड ऑफ द, सो ये व्यू है जो बहुत बढ़िया लगता है। एंड देन ये कुछ जो रूट है ये दिखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग है, काफ़ी नेचुरल और पोल्यूशन फ्री जगह है यहाँ से हम लोग जा रहे थे, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ मतलब लोग कम रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की रूट बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी, बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में भी लगता है, जो कि देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा होगा। और उस टाइम पे यार
जो और मैं सोच रहे थे हम लोग कि अगर इस दिन यहाँ पे अगर स्प्रिंग का सीज़न चल रहा होता तो यार उसकी तो बात ही अलग होती इस NH 39 हाईवे की, कि हम बढ़ौरा नाथ के लिए निकल रहे थे। सो वी आर ऑन द वे आई थिंक। और अब हम अपनी कैमरे को पकड़ा देंगे अभिषेक को जो हमारा रिकॉर्ड करेगा थोड़ी देर के लिए, देन लेट्स सी। गौर से देखिए इन दोनों को, यही है एक अपूर चश्मे वाला, एक हिमांशु टोपी वाला। गौर से देखिए दोनों को, एक है अपूर चश्मे वाला, एक हिमांशु टोपी वाला। और ये जय बढ़ौरा नाथ। सो गाइस, हम लोग अभी बढ़ौरा नाथ जाने वाले हैं, उसके बाद वापस हिमांशु घर आएंगे, संस्कार का थोड़ा सा काम है, उसको करने के बाद हम लोग वापस अपूर के घर जाएंगे। गुड़ से जाने के बाद हम लोग वापस जाएंगे टूर दे रीवा। सो ये सोन नदी का व्यू है जो कि अभी गर्मी का सीज़न आने लगा, जिसकी वजह से यहाँ की नदी सूखने लगी है, बट देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बाल की ऐसी तैसी हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं अभी हमारे बढ़ौरा नाथ मंदिर, तो दर्शन करके फिर निकलेंगे हिमांशु के यहाँ मेरे यहाँ। सो बोलो सभी लोग जय बढ़ौरा नाथ की, बम बम भोले, हर हर महादेव। ये हम लोग चंदन टीका लगाए थे, पूजा किए एंड देन निकल गए। सो मैं अपूर का ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी अपूर है, संस्कार, हिमांशु, हम लोग बढ़ौरा नाथ आए हैं, तो हम लोग बढ़ौरा नाथ के अंदर जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो एवरीवन, हम लोग गुड़ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द, और 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, देन उसके बाद ये लोग वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, निकल जाएंगे ये लोग। हाँ, देन उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से, और हम वेट कर रहे हैं अभी वो लोग कहाँ रहेगा, संस्कार और अभिषेक का। बहुत धीमी चलते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी नियर फजल साथ रहेंगे अभी बहुत सारे बच्चे, देन और ट्रैवल वीडियोस भी आते रहेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।